नमस्कार, मैं हूं धनश्री, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल क्राइम ब्रांच राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग आरोपी तक पहुंच गई है। आरोपी को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे तमिलनाडु से पकड़ा है। आरोपी ने बताया है कि एक हैकर है। भोपाल पुलिस को आरोपी छात्र तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल डोमेन्स के कई जानकारी जुटानी पड़ी है। यह धमकी भरा ईमेल मध्य प्रदेश और बेंगलुरु के स्कूलों को तमिलनाडु से भेजा गया था। क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता लगी है। राजधानी के निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को तमिलनाडु में पकड़ लिया है। भोपाल पुलिस को आरोपी छात्र तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल डोमेन से कई जानकारियां जुटानी पड़ी। यह धमकी भरा ईमेल मध्य प्रदेश और बेंगलुरु के स्कूलों को तमिलनाडु से भेजा गया था। छात्र तक पहुंचने के बाद भोपाल पुलिस को पता चला कि एक दिन पहले ही बेंगलुरु पुलिस ने पूछताछ कर उससे तकनीकी जानकारी प्राप्त की है। इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस को भी इस युवक की तलाश थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया है कि उसने बेंगलुरु और कोयम्बटूर के कुछ स्कूलों को भी इस तरह के मेल किए थे। हालांकि भोपाल पुलिस का दावा है कि इसके साथ एक और आरोपी पूरे मामले में शामिल है। बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच आरोपी को भोपाल लेकर आएगी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। हाँ, इसमें जो ईमेल आए थे पुलिस ये पता कर रही थी, ट्रेस कर रही थी कि ईमेल जो है कहाँ से किस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उसमें पुलिस को प्रारंभिक सफलता मिली है। जिस स्थान से ईमेल हुआ था, साउथ के राज्य तमिलनाडु के किस स्थान से सूचना प्राप्त हुई थी, वर्तमान में टीम वहाँ पर गई हुई है। व्यक्ति को जो है चिन्हित करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है और पुख्ता होने के बाद पहचान इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।